हेलो गाइस, मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल सेलिंग पाइपिंग कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालता रहता हूं, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो कंटिन्यू देखें। हेलो गाइस, आज मैं बताने जा रहा हूँ 1700 एरिया के घर है, हाउस यानी फैमिली हाउस है। ये 6 रूम है और एक लंबा सा गैलरी है, किचन भी है और एक सीढ़ी है बाथरूम है। ठीक है, तो इसका सेलिंग में पाइपिंग इलेक्ट्रिकली के लिए कैसे किया जाता है, चलिए हम आज बताते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्टेयरकेस यानी सीढ़ी यहाँ हो गया। अब यहाँ से हम चढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ आ गए और यहाँ से ये इसके नीचे बाथरूम है, तो बाथरूम में हमने 2 लाइट दे दिया है। ठीक है, और एक डाउन कर दिया, गीज़र उजर लगाना होगा तो उसके लिए मैं डाउन कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। आइए सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी MCB बॉक्स जहाँ लगता है वहाँ से मैं क्लियर बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ से शुरू हो गया, ये वाला एक रूम हो गया। ठीक है, ये 4 लाइट है सीलिंग में और एक पंखा है सेंटर में। ठीक है, फिर ये दूसरा रूम हो गया, ये वाला दूसरा रूम हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा तीसरा रूम। ठीक है, और ये फिर लंबा सा एक इतना लंबा सा ये हमारा गैलरी हो गया। ठीक है, ये गैलरी। ठीक है, उधर सबसे लास्ट में वो जो दिख रहा है वो हमारा किचन हो गया। फिर ये फर्स्ट रूम हो गया, ये और ये सेकंड हो गया, और ये हो गया थर्ड। ठीक है, सारे में 4-4 लाइट है सेलिंग में और एक सेंटर में फैन है। ठीक है, चलते हम आगे। ठीक है, तो आगे हम ये फ्रंट ये मोल्डिंग बना हुआ है, तो प्रत्येक मोल्डिंग में हमने एक एक लाइट डाल दिया है, 7 लाइट, टोटल 7 लाइटें हैं। ठीक है, वहाँ आप देख रहे हैं एक मोल्डिंग में, यहाँ देखिए ये एक मोल्डिंग में ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया और सबसे लास्ट वहाँ से। ठीक है, अब सारे का डाउन हमने यहाँ रखा है, यहाँ पे हमने MCB बॉक्स देना है। ठीक है, नीचे MCB बॉक्स देना है यहाँ पे। ठीक है, तो MCB बॉक्स का मेन जो सप्लाई हमारा होगा, जो इनकमिंग सप्लाई होता है MCB बॉक्स का, वो हमारी इस रूट से आ रहा है। ठीक है, यहाँ इसके नीचे जो MCB बॉक्स डाउन हुआ है वो यहाँ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हुआ है, तो यहाँ से हम MCB बॉक्स का इनकमिंग सप्लाई के लिए एक पाइपिंग डाल दिए हैं यहाँ तक MCB के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हर एक रूम के लिए अलग अलग हमारी सर्किटें जाने के लिए एक एक पाइप डालेंगे। जो आप देख रहे हैं यहाँ से एक सर्किट एक पाइपिंग होके जा रहा है उस रूम के लिए चला गया। फिर यहीं से एक और पाइप हमने डाल दिया है, यहाँ से फैन बॉक्स में डाल दिए हैं, और फैन बॉक्स में 2 पाइप डाले हैं, यहाँ से 2 डाउन हुए, जो 2 अलग अलग रूम के लिए सर्किट जा रहे हैं। तो यहाँ जा रहे हैं, यहाँ फैन बॉक्स के पास, और यहाँ से डायरेक्ट होते हुए देखते हैं आप चल जा रहे हो किचन के बगल वाले रूम में। ठीक है, अब वहीं से मैंने मिला दिया किचन का, तो किचन का भी वहाँ से सर्किट हम डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर ये 2 पाइप हम डाले हैं, तो एक सर्किट यहाँ से हम इस रूम के लिए डाल देंगे। ठीक है, और गैलरी है, तो गैलरी में उस एरिया में हमारा 2 लाइट है और ये बीच में सेंटर में फैन है, और सेम टू सेम एज यहाँ भी हुआ है, एक लाइट है और इधर एक लाइट है और बीच में फैन है। ठीक है, गैलरी में। ठीक है, और आगे एक ऐसा बॉक्स बना है यहाँ पे, डिजाइनिंग है, इसके लिए सेंटर में मैंने डाल दिया है। ठीक है, ये हो गया इस एरिया का। अब मैं बता रहा हूँ इस एरिया का, तो इस एरिया का मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ देखिए MCB बॉक्स से यहाँ के लिए मैंने इसमें पाइपिंग कर दिया है, जो फैन में जो इस रूम के लिए सर्किट के लिए हो जाएगा। अब यहीं से देख रहे हैं कॉलम में एक पाइप जा रहा है, ये होते हुए ये पाइप चला गया इस रूम के लिए हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इस रूम से मिला दिया हमने उस रूम के। ठीक है, तो इस इधर का सर्किट वहाँ चला गया। ठीक है, अब बात आई हमारी रूम की, जो रूम की स्विच बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वहाँ के लिए देखिए फ्रेंड्स हम डालते हैं यहाँ से देख रहे हैं आप, इस रूम के लिए, इस रूम में 4 लाइट है और यहाँ से फैन बॉक्स में इसमें आ गए इस लाइट में। ठीक है, कौन सी लाइट है, ये सब कौन सी बॉक्स बोलते हैं इसको, और यहाँ से मैंने डाउन कर दिया है ये दीवार पे, इस रूम के इस साइड पे मैंने डाउन किया है, और इसका दरवाज़ा यहाँ पे है, जो यहाँ पे स्विच बोर्ड लग जाएगा। ठीक है, और एक डाउन मैं इधर कर दिया हूँ इस साइड, बेड साइड, बहुत लोग बेड पे मांगते हैं कि बेड पे मुझे स्विच बोर्ड चाहिए चार्जर उर्जर मोबाइल वाले लैपटॉप चार्ज करने के लिए, उसके लिए हो गया। और एक मैंने इसमें से डाउन कर दिया इस साइड, जो TV के लिए यहाँ पे हमारे बेड लगेगा, तो TV इधर ही लगेगा, जाहिर सी बात है, इसके लिए मैंने डाउन कर दिया वहाँ पे TV भी लगेगा।
तो सेम एज ऐसा ही सारे रूम में मैंने किया, सेम टू सेम। एक स्विच के बोर्ड के लिए दरवाजे के साइड पे और एक बेड साइड पे डाउन किया मैंने, और एक मैंने टीवी के लिए डाउन कर दिया, ठीक है। एक उधर भी डाउन कर दिया कि कोई लाइट वाइट बनाना हो, चाहे कुछ भी मांग ले आदमी, एसी वीसी जो भी पॉइंट मांग ले, तो उसके लिए मैंने डाल दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही किए हैं। अब सीढ़ी पे चलते हैं हम, सीढ़ी पे कैसे लाइट बनाया है कैसे वो बता रहे हैं आपके। देखिए सीढ़ी पे यहाँ पे मैंने सीढ़ी के लिए डाउन कर दिया है। यहाँ से मैं ये पॉलीथीन अभी हटा रहा हूँ मैं, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे मैंने डाउन कर दिया है, ठीक है। जब दीवार यहाँ पे वॉल चलेगा तो यहाँ पे हम झेरी काट के इसके सेंटर में लाइट दे देंगे, ठीक है। जो लाइट दोनों सीढ़ी पे बराबर मिलेगा, ठीक है। और इसका स्विच मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने देखिए यहाँ से मिलाते हुए इस फैन बॉक्स से यहाँ से मिलाते हुए मैंने यहाँ डाउन कर दिया, ठीक है। यहाँ डाउन कर दिया, यहाँ झेरी काट करके सीढ़ी से जहाँ से चढ़ रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे स्विच बोर्ड लग जाएगा, ठीक है। तो यही रहे फ्रेंड्स। और किचन के लिए मैं थोड़ा सा स्पेशल हुआ है और कुछ नहीं है। किचन के लिए मैंने ये देखिए दो लाइट डाल दिया, एक फैन डाल दिया है, और चार दीवार पर डाउन कर दिया है, ताकि जो भी स्विच बोर्ड लगाना हो या मिक्सी उसी का पॉइंट देना हो, जो भी फ्रिज व्रिज का जो भी पॉइंट देना हो, वो उससे हम दे सकते हैं, ठीक है। अब बात रही कि इसमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत है हमें ये काम करने के लिए, चलिए हम दिखाते हैं कौन कौन से टूल्स हैं। ये देखिए हमारा ये प्लायर्स की ज़रूरत है, और ये मिनी हैक्सा है, इसकी ज़रूरत है पाइप वाइप काटने के लिए, और ये इसको ये कुंडी है वो पाइप वाइप बांधने के लिए बेंडिंग वायर से बांधते हैं, और ये एक बड़ा सा सुम्मा ले लेंगे छेनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। झीरी उरी काटने के लिए जैसे डाउन गिराते हैं तो झीरी उरी काटने के लिए ज़रूरत पड़ता है, ऐसे देखिए ऐसे झीरी उरी काटने के लिए ज़रूरत पड़ता है। और ये स्क्रू ड्राइवर ये काम भी आ जाता है, टेस्टर तक चाहिए आपको, एक टेस्टर चाहिए ऐसा, ठीक है। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए, ये हमारा डाई, इतना बड़ा डाई होना चाहिए जो कि रॉड वोड को बेंड करने के लिए पाइप डालते हैं, तो इसके लिए चाहिए, ठीक है। और दोस्तों और कुछ भी इसके बारे में जानकारी हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये देखिए ये कौन सी बॉक्स है, इसमें लाइट वोड के लिए कौन सी बॉक्स लगाते हैं जो, तो इसमें हम थर्मोकोल भर करके टेप मार दिए हैं, वो सेलो टेप अच्छे से कवर कर दिए इसको, ताकि इधर से कहीं से भी माल इसमें ना जाए, ठीक है। और जहाँ हमें पाइप डालना होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर से या टेस्टर से या कुंडी से यहाँ पे होल हड़का से होल करके वहाँ पे पाइप डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को ड्राइंग के द्वारा और विस्तार से समझाया जाए तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें और बताएँ, ताकि मैं और बेहतर तरीक़ा से इसको ड्राइंग के द्वारा समझाऊँ, आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। छत की वायरिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से ड्राइंग के द्वारा समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।